अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन और चीन पर बड़ा निशाना साधा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में लिखा, चीन के सरकारी मीडिया और चीन के नेता चाहते हैं कि बिडेन अमेरिकी चुनाव जीते। अगर ऐसा होता है, जो कि नहीं होगा, तो हमारे देश पर चीन का कब्जा होगा और रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे हमारे शेयर बाजार पूरी तरह से धड़ाम हो जाएंगे। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा, केवल ट्रंप ही चीन और उसके घातक आक्रामक प्रवृत्ति से निपट सकते हैं। भाषा की खबर के अनुसार अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अमेरिकी जनता से कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो चीन और उसकी घातक आक्रामक प्रवृत्ति से लोहा ले सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वो अमेरिका और दुनिया में कोरोना वायरस के माध्यम से मौत और आर्थिक तबाही फैलाने को लेकर इस कम्युनिस्ट देश के विरुद्ध न्याय नहीं होता। पोम्पियो ने मंगलवार को अपनी ही सलाह के विपरीत जाकर ये बात कही। साथ ही उन्होंने द्विदलीय राजनीति से अमेरिका के विदेश मंत्रियों को अलग रखे जाने की लंबी परंपरा को तोड़ दिया। उन्होंने अमेरिकियों से अपील की कि अगर वो देश को सुरक्षित देखना चाहते हैं तो वो राष्ट्रपति ट्रंप का फिर से चुनाव करें। उन्होंने यरूशलम से रिपब्लिकन नेशनल सम्मेलन RNC को संबोधित करते हुए कहा, राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया के लगभग हर हिस्से में साहसी पहल की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये पक्का किया है कि अमेरिका में राजनयिक के रूप में नजर आ रहे सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जासूस या तो सलाखों के पीछे जाएं या स्वदेश लौटे। उन्होंने कहा, ट्रंप ने चीन के साथ विचित्र तरीके से अनुचित व्यापार व्यवस्था को समाप्त किया जिसके कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।